हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं डेड बाय डे लाइट। तो आज मैं आया हूँ निया के साथ सर्वाइवल प्ले करने। तो इसी साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और इस लोक या इस डब्बे तो देख तरह हमें पता चल चुका है कि मैं इसका किलर है नेमेसिस। तो आई थिंक इसने मुझे देखा है या नहीं, वो मुझे पता नहीं। लेट्स सी। तो यहाँ से निकल चलते हैं पहले ही, और किलर तो पूरी तरह से देख लिया है हमें। तो लेते हैं यहाँ पे चेज। लेट्स सी कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं इस नेमेसिस का। तो काफ़ी अच्छा लुक मिल चुका है हमें किलर तो दौड़ाने के लिए। तो यहीं पे पीछा छोड़ने वाला लग नहीं रहा, ये हमारा पीछा छोड़ेगा बिना नॉक किए। और यहाँ पे विंडो और पीछे तरफ काफ़ी डिस्टेंस है, तो आगे बढ़ते हुए। और आ रहा है कि या फिर नहीं, कहाँ पे गया? हेलो। तो यहाँ पे फिर से नेमेसिस हमारे पास आ पहुँचा है। जनरेटर रिपेयर करने भी नहीं दिया इसने, तो जल्दी से जनरेटर को रिपेयर करते हैं जो थोड़ा सा हमने रिपेयर किया है। तो और आई थिंक अभी मेरे पीछे ही आने वाला है, तो चलो जल्दी चलो। और यहाँ से बोल्ट, ऑल राइट, बट इस पर पड़ी हमें। और यहाँ से दोबारा से पीछा करते हुए किलर, और इस बार फिर से लंबा लूप आई थिंक बच गया। और यहाँ पे जॉम्बी भी है पास में, और यहाँ पे बोल्ट एंड अगेन आगे बढ़ते हुए। तो इस तरफ से आएगा, तो उससे पहले यहाँ से चल पड़ते हैं कहीं और, बिकॉज कोई पता ना हो कि कौन से माइंड गेम करके हमें नॉक करते। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जनरेटर रिपेयर हो चुका है, और अब बचे हैं सिर्फ दो जनरेटर रिपेयर होने के लिए। और एक सर्वाइवल को कर दिया है, हुक पे टांग दिया है, पहले उसे बचाने चलते हैं। और वो है कैट जो हुक पे टंगी हुई, और भाई किलर भी यहीं आसपास ही है हमारे। तो पहले यहाँ पे छुपा जाए ताकि किलर यहाँ से दूर जाता है तो हम जल्दी से जल्द कैट को उतार लेंगे। और यहाँ पे उतार लिया मैं कैट को, तो चलते हैं अगले जनरेटर की ओर जो रिपेयर करने के लिए बचा है, ये वाला जिसे मैं पहले भी रिपेयर कर रहा था। बट ये किलर पता नहीं इस जनरेटर से क्या दुश्मनी है, इसे रिपेयर करने बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और यहाँ से पड़ने वाली है, बस ये डिस्टेंस काफ़ी है। वोल्ट एंड दोबारा से इस तरफ, ऑल राइट, फिर से वोल्ट करूँगा। नहीं 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 नहीं, किलर पड़ने वाली पड़ी। तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हुए मेन बिल्डिंग की ओर। एंड किलर आई थिंक आ रहा है पीछे या फिर नहीं, लग नहीं रहा है। आ रहा है, ये रहा। तो यहाँ से होते हुए मेन बिल्डिंग के बाहर की तरफ, और किलर हमारे पीछे अभी भी लगा हुआ है, ये रहा। जल्दी चलो चलो, ऑल राइट है। जॉम्बी बस ये भाई, जॉम्बी होता तो ये नॉक। और यहाँ पे हम ऊख पे काफ़ी लंबे समय से टंगे हुए हैं, कोई तो आ रहा है हमें बचाने के लिए। वो है निया, ए मैक, जिसने हमें ऊख में से उतार लिया है। आप जल्दी से हील होते हैं और आखिरी के दो जनरेटर को रिपेयर करते हैं। और ये अंदर कहाँ पे छुप रही है? हेलो निया, बाहर आओ मैक, जल्दी से हमें हील करो। और यहाँ पे हम हील लो चुके हैं, और नेमेसिस भी इसी तरफ आता हुआ। और इस बार ये मैक को टारगेट बनाएंगे अपना। और हम आ रहे जनरेटर के पास है, तो यहाँ पे मैक बनी है अब किलर का शिकार। तो यहाँ पे अपना जनरेटर सेकेंड लास्ट भी अब ऑलमोस्ट रिपेयर्ड पूरी तरह से। तो चलो चलते हैं जल्दी से। और एक सर्वाइवल पे मोरी हो चुकी है, एंड यहाँ पे अपना आखिरी जनरेटर रिपेयर हो ही चुका। और आप ऐसे गेट को करते हैं ओपन, और बंक पे अपने टीममेट को हुक पे टंगा हुआ, वो है फैन विन। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मैक को बोलता हूँ कि जनरेटर गेट ओपन करो, मैं जब देखता हूँ कुछ हो पाता है, फैनविन को बचाया जा सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे पूरी तरह से नेमेसिस कर रहा है कैंप,
और इसने आई थिंक मुझे देख लिया है और वहाँ से हमें भगाने की कोशिश में लगा है। तो अब यहाँ से भाग चलते हैं बिकॉज सर्वाइव फैनविन ने भी कर दिया है गिव अप, तो कोई फ़ायदा नहीं वापस जाने का वहाँ पे। तो चलते हैं एग्जिट करते हैं और रेड किलर भी अपने पीछे लगा है। ये क्या, इसे मैग में इंटरेस्ट है तो उसे तो नॉक करेंगे। तो हियर वी गो, और यहाँ पे अगला मैच में हम आ चुके हैं और मैं ऐसा किलर है नर्स। तो यहाँ पे डिवाइड तो पहले ऊपर टंगा हुआ है तो अभी मैं इसे उतारूंगा नहीं बिकॉज उतार दिया तो फिर से ऊपर लड़का देने वाली है नर्स। तो यहाँ पे उतार लिया है डिवाइड को, तो उतारने वाली कौन, चलते हैं उसी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एक पहले ड्रॉप कर दिया है एंड नर्स भी उन्हीं के पीछे जा रही है। तो ये रही ये नॉक, जल्दी से मेरा टॉर्च है यहाँ पे सेव होता है या फिर नहीं। और डन, ये ले फ्लैश सेव एंड चलते हैं यहाँ से। और आई थिंक नर्स से आने से पहले हम ये वाला जनरेटर पे कर देते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पे एक सर्वाइवल को कर दिया नॉक और इसे उठाने वाले हैं और फ्लैश तो चला नहीं बट किलर ने आई थिंक मुझे देख लिया है इस तरफ आता है तो यहाँ से निकलना होगा। और आई थिंक नर्स कर रही है वहाँ पे नीचे कैंप, यहाँ से जा नहीं रही है तो चलते हैं हम बचाने कहीं देरी ना हो जाए। तो नर्स यहीं पे डेड हार्ट एंड डिस्ट्रेस बनानी थी हमें, काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे नर्स से, नहीं तो एक हिट पड़ता तो हम नॉक हो जाते। तो फिलहाल दोबारा से यहाँ पे डिवाइड के पीछे पड़ चुकी है नर्स, तो हम फिर से फ्लैश सेव करने की कोशिश में हैं कि कुछ हो पाता है यहाँ पे फ्लैश सेव वगैरह कुछ भी। और आई थिंक नर्स ने मुझे ही अपना शिकार बनाने का यहाँ पर सोच लिया है पूरी तरह से। और यहाँ पे फंसा नहीं ये पड़ा एंड अच्छी बात है यहाँ पे अपने टीम मेट सभी यहीं पे, और एक के पास मैंने हाथ में टॉर्च भी देखी है। ये ले वेरी गुड, तो चलो चलते हैं यहाँ से चलते हैं और पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ जाओ, नहीं ये तोड़ दिया, तो चलो चलते हैं आगे की ओर। तो ये ऐसा पूरा फुल स्पीड में, तो लेट्स सी। ऑल राइट, सभी चेज पूरा कंप्लीट होते हुए भी बटनर समय नहीं पकड़ पाई। तो यहाँ पे अपना एग्जिट गेट ओपन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे दो मिनट में। एंड अभी हम थोड़ा सा टाइम और लेना है नर्स का ताकि अपने टीममेट ऐसे गेट ओपन कर दे। ऑल राइट, अब पूरी तरह से गेट ओपन हो चुके हैं और जल्दी से चलते हैं और एग्जिट करते हैं। ये ऑल डन एंड हियर वी गो, और लास्ट मोमेंट पे सेव, वेल डन, गियर वी गो। चलो चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे रहा अपना अगला मैच, और डेमोगोगस इस मैच का है किलर, जिसने हमें अपना पहला शिकार चुन लिया है। वी आर द चूजन बंस किलर के दोबारा, लेट्स सी इस तक कितना टाइम हम खाते हैं। और दो जनरेटर तो रिपेयर हो जाने चाहिए जितने टाइम में हम इससे निचाते हैं यहाँ पे। ये बच गया, काफ़ी फुर्ती से आया था हमारी तरफ। और आई थिंक यहीं पे भी अभी पीछे आ रहा है या फिर छोड़ दिया, आ रहा है। तो मेन बिल्डिंग में ही घुमाते हैं इन्हें बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छे लूप्स मिल जाते हैं किलर को नचाने के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है, चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे ओपन डोर को तोड़ दिया है डेमोगोरगस ने एंड ये आ रहा है या फिर शायद छोड़ दिया। इतना अच्छा व्यू है बाहर की,
और यहाँ पे ये रहा डेमोगोर्गस आ रहा है अभी भी पीछे, और यहाँ सिर्फ बोल करने से सोचा फिर नहीं किया। एंड और यहाँ से आगे की ओर एक लूप दिखता हुआ, एक उम्मीद की किरण किलर से बचने के लिए। एंड किलर आ रहा है पीछे आ रहा है अभी भी, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ये विंडो कहाँ पे रहा, इस तरफ से होल्डन, और सर बोल्ट के और यहाँ पे ही अटैक करेगा तो बचो। होल्डन बिल्कुल सही। एंड इस और अगले वाले लूप पे ले चलते हैं ताकि इन्वायरमेंट बदलता रहे किलर के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी। और आई थिंक किलर अभी भी पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पैलेट है तो इसका यूज़ हर नहीं काफ़ी चलाक हो रहा है यहाँ पे डेमोगोर्गस माइंड गेम करने की कोशिश। और इस बार ये बार बार अटैक किया जा रहा है, अटैक पे अटैक। एंड यहीं पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा देर रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। निकलो निकलो होल्डन, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये पड़ी जो कि नहीं होना चाहिए था, ये फंस गया, स्ट्रक हो गया हूँ। गेम ओवर। तो इसे मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।